हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक गोंडी। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने पैन कार्ड और आधार कार्ड से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, जो कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला ऑडियंस का। और आज का जो ये वीडियो है, ये भी पैन कार्ड और आधार कार्ड के लिंक से रिलेटेड ही वीडियो है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, या तो आप साइबर में जाते हैं और या फिर आप खुद से करते हैं आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक। तो होता क्या है, इसमें आप साइबर में जाते हैं, आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने के बाद अगर वो 3 से 4 दिन के बाद आपको फिर से बुलाता है और फिर से आपको वेरिफिकेशन कराता है, ये उसी से रिलेटेड वीडियो है। वैलिडेट वेरिफिकेशन, ये बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए। अगर ये आपने नहीं कराया अभी तक, तो ये समझ लो कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड अभी तक लिंक नहीं हुआ है कम्प्लीटली। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये खुद से आप इसमें इंक्वायरी कर सकते हैं, आप अपने स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं। ये मैं कुछ स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, यहाँ पर आप देख रहे ना कि इस तरह से दिखेगा। अगर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक नहीं हुआ होगा तो, यानी लिंक कराने के बाद भी अगर लिंक नहीं हुआ होगा तो इस तरह से कुछ दिखेगा। और अगर आपका लिंक हो जाता है तो इस तरह से दिखेगा, जिस तरह से आपके सामने स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। आई होप दोस्तों, ये कुछ बड़ा काम नहीं है जो आपको साइबर के पास ही जाके कराना पड़ेगा। ये आप भी खुद से चेक कर सकते हैं कि मेरा ये कंप्लीट हुआ है कि नहीं, और अगर नहीं हुआ है तो ये सिर्फ 2 मिनट का प्रोसेस है और आप अपने स्मार्टफोन से इसको कर सकते हैं। दोस्तों, वो कैसे करना है, तो चलो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ और मैं आपको पूरा इसमें सिखाऊंगा, यानी पूरा बताऊंगा कि किस तरह से चेक करते हैं और किस तरह से इसको वैलिडेट वेरिफिकेशन करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं गाइज, चलते हैं क्रोम ब्राउजर में। मैं क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया हूँ और ओपन करने के बाद आपको चले जाना है गूगल के सर्च बॉक्स में और यहाँ पर ई फाइलिंग आपको टाइप करना है। तो मैं टाइप कर लेता हूँ ई फाइलिंग, सबसे ऊपर ही आ जाएगा यहाँ पे, देखो ई फाइलिंग, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फिर से एक पेज खुलेगा आपके सामने। यहाँ पर जो पहली लाइन दिख रही है इनकम टैक्स, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये फिर से एक पेज खुलेगा, तो अब आप आ जाएंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ जिसका मैं यहाँ पर वैलिडेट वेरिफिकेशन करने जा रहा हूँ उसका स्टेटस यहाँ पर चेक कराता हूँ कि उसने आधार कार्ड पैन कार्ड को लिंक करने के बाद भी उसका नॉट लिंक आधार कार्ड बता रहा है। क्यों? क्योंकि उसका सिर्फ पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है, अभी वेरिफिकेशन उसका नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले स्टेटस दिखाता हूँ आपको, देन यहाँ पर जो सेकंड का बॉक्स दिख रहा है राइट हैंड साइड पर, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है लिंक आधार स्टेटस पर। फिर से एक पेज खुलेगा आपके सामने, इस तरह से पेज खुल के आपके सामने आ जाएगा। देन यहाँ आपको पैन कार्ड और आधार नंबर दोनों यहाँ पर मेंशन करना है। यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ। दोस्तों, अब मैं आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर दोनों को यहाँ पर मेंशन कर लिया हूँ। देन यहाँ आपको नीचे आ जाना है, व्यू लिंक आधार स्टेटस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया हूँ और अब आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों किस तरह से पेज खुल के आया है। आप यहाँ पर देखना, पैन नॉट लिंकड विथ आधार, प्लीज क्लिक ऑन लिंक आधार, लिंक टू लिंक योर आधार विथ पैन। दोस्तों, इस तरह से आपके मोबाइल पे आएगा, अगर आप भी लिंक करा लिए तो भी आएगा। क्यों आ रहा है? ये इसी वजह से आ रहा है क्योंकि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड जो लिंक कराए उसका वैलिडेट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपको लिंक आधार का ऑप्शन दिख जाएगा, देन यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करके आगे का जो प्रोसेस रहेगा आप उसको पूरा करते जाएंगे। तो चलो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ और यहाँ लिंक आधार पर फिर से यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद फिर से एक पेज खुलेगा आपके सामने और कुछ इस तरह से पेज खुल के आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ध्यान से, यहाँ पर आपको 3 स्टेप को पूरा करना पड़ेगा। यहाँ सबसे ऊपर शो कर रहा है बॉक्स में, मैं यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ स्क्रॉल करके और आप भी इस तरह से नीचे आ जाना। नीचे आके आपको फिर से यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर फिर से मेंशन करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पैन डालता हूँ, फिर आधार नंबर यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। गाइज, अब मैं यहाँ पर दोनों को मेंशन कर लिया हूँ और अब आपको स्क्रॉल करके इस तरह से नीचे आ जाना पड़ेगा। यहाँ नीचे आने के बाद अब यहाँ पर ध्यान से देखना है दोस्तों, यहाँ वैलिडेट का ऑप्शन दिख रहा है, देन यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा और यहाँ पर आपका पेमेंट डिटेल यहाँ पर दिख जाएगा, आपका चालान नंबर वंबर सब यहाँ पर शो करने लगेगा। यहाँ पर आप ध्यान से देख लेना ये क्या क्या चीज़ लिख के आ रहा है, यहाँ पर सब ध्यान से देखना। योर पेमेंट डिटेल्स आर वेरीफाइड, यानी आपका पेमेंट जो आपने किया था वो वेरीफाइड हो गया, यानी अपडेट भी हो चुका है और अब आप इसके आगे का प्रोसेस करके आप पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। देन यहाँ नीचे आ जाना पड़ेगा आपको, यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया हूँ और क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से फिर से पेज खुल के आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर आपका आधार नंबर और पैन नंबर यहाँ पर शो करने लगेगा। यहाँ सबसे ऊपर आप देख सकते हैं,
मैं थोड़ा सिक्योरिटी रीजन की वजह से इसको हाइड कर दिया हूँ, बट इस तरह से कुछ इंटरफेस रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ सीधा नीचे आ जाना है, तो यहाँ आप देख सकते क्या लिखा हुआ है, नेम एस पर आधार, जो आधार पे नाम रहेगा वही आप यहाँ पर टाइप करेंगे। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, मैं यहाँ पर नेम टाइप कर दिया हूँ और नीचे मोबाइल नंबर टाइप कर दिया हूँ। और यहाँ आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर दो चेकबॉक्स दिखेगा और यहाँ दो लाइन भी दिखेगा चेकबॉक्स के सामने, यहाँ पर क्या लिखा हुआ उसको रीड कर लेना। दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर दोनों पर चेक कर देना है, पहले वाले लाइन पर और दूसरे वाले लाइन पर, दोनों पर चेक कर देना है। लिंक आधार का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। आप क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख लेना, यहाँ OTP मांगेगा, तो मैं यहाँ पर OTP को फिल कर लूँगा, तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा जो आधार कार्ड से लिंक है। दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने OTP को यहाँ पर फिल कर दिया है। अब फिल करने के बाद नीचे वैलिडेट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद अब आप दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, योर आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज बीन सेंड टू UIDAI फॉर वैलिडेशन, प्लीज चेक द स्टेटस एट हास बाई क्लिकिंग ऑन लिंक आधार स्टेटस अंडर क्विक लिंक्स ऑन होम पेज। ये आपका सक्सेसफुल हो गया है, बट दोस्तों ये 48 hours यानी 48 घंटे के अंदर ये कम्प्लीटली आपका लिंक हो जाएगा। देन यहाँ आपको ओके पर क्लिक कर देना है, और यहाँ ओके पर क्लिक करने के बाद आप चले जाएंगे फिर से नीचे, यहाँ पर लिंक आधार स्टेटस दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों अब मैंने फिर से आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर को मेंशन कर लिया हूँ बॉक्स के अंदर, इस तरह से आपको भी करना है। और यहाँ व्यू लिंक आधार स्टेटस दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों क्या लिख के आ रहा है, रिक्वेस्ट यहाँ से सेंड हो चुका है UIDAI के ऑफिस पर, यानी ये वैलिडेशन के लिए वहाँ पर चले गया है आधार कार्ड के हेड ऑफिस में, और वहाँ से 48 घंटे के अंदर आपको मैसेज मिल जाएगा। और आप फिर से अगर मैसेज नहीं भी आता है तो आप यहाँ से स्टेटस चेक कर लेंगे, तो वहाँ सक्सेसफुली बताने लगे।